हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि ग्रो ऐप में आप सेंसेक्स में आप लाइव ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कैसे आपको बाय करना है सेंसेक्स में, ऑप्शन में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, इसका एक्सपायरी कब होता है सेंसेक्स का, सेंसेक्स का लॉट साइज कितना है, सेंसेक्स का क्वान्टिटी कितना है, सेंसेक्स का ट्रेड करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा एक लॉट में, और सेंसेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए इसका टाइमिंग कब से कब तक रहता है, तो ये सभी चीज़ें आपको मैं वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाता हूँ ग्रो ऐप के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना ग्रो का मोबाइल ऐप मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। तो ग्रो का मोबाइल ऐप लॉग इन करने के बाद पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर में देख लेते हैं निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स, सेंसेक्स ये एक इंडेक्स है। तो यहाँ पे ऊपर में आपको पूरा इंडेक्स मिल जाएंगे, जो भी इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। जैसे मैं ऑल इंडेक्स में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इंडेक्स दिखा रहा है। तो जैसे अभी मेरे को ये पूरा इंडेक्स दिखा रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्लोबल इंडेक्स दिखा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स दिखा रहा है और यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखा रहा है इंडियन इंडेक्स का। तो अब यहाँ पे मैं बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद पे यहाँ पे देखिए, अब मैं सेंसेक्स में जैसे मैं ट्रेड करना है तो मैं सेंसेक्स पे मैं क्लिक करूँगा। सेंसेक्स पे मैंने क्लिक किया। सेंसेक्स पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ से आपको उसका ऑप्शन चेन और चार्ट ये सभी डिटेल्स आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे को चार्ट देखना है तो वन डे, वन वीक, वन मंथ, वन ईयर, फाइव ईयर, जैसे भी आपको देखना है, जैसे वन वीक देखना है, वन मंथ देखना है, वन ईयर देखना है, फाइव ईयर देखना है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। वन ईयर आप देखेंगे, फाइव ईयर का देखेंगे तो 2020 में ये 27,590 चल रहा था और अभी देखेंगे तो ये कितना चल रहा है, ये देख सकते हैं सेंसेक्स 72,000 के आसपास चल रहा है अभी ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये कैंडल है, अगर इसको आप कैंडल कर देंगे तो ये पूरा कैंडल पे आपको दिखेगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका पूरा बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया इस तरीके से, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो सेंसेक्स का, ये चार्ट कैसा दिखेगा, अभी करंट कितना चल रहा है वो भी आपको यहाँ से दिखेगा आपको, ठीक है। 72,696 इतना चल रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये चार्ट है, चार्ट में आप एनालिसिस करने के लिए ऊपर में आप टाइम फ्रेम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5, 10 मिनट जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। जैसे 3 मिनट डाला मैंने, 3 मिनट डालने के बाद पे यहाँ से आप कैंडल डालना है और हैकी नासी डालना है, जो भी डालना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत लोग हैकी नासी के बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं तो आप हैकी नासी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको इंडिकेटर डालना है, तो मैं इंडिकेटर पे जैसे आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ और दूसरा स्टॉकिस्टिक आरएसआई, ये दो इंडिकेटर के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो दोनों को मैंने इंडिकेटर को लगा लिया और यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर के बेसिस को आप लगाने के बाद में आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊँ ऑप्शन चेन कैसे खोलेंगे, इसका बैक बटन पे जाते हैं। बैक बटन पे जाने के बाद पे अब यहाँ पे आपको ऑर्डर लगाना है, तो ऑर्डर लगाने के लिए या तो एफ एंड ओ पे क्लिक करिए या ऑप्शन चेन पे क्लिक करिए। जैसे मैं एफ एंड ओ पे क्लिक करता हूँ तो मैं ऑप्शन चेन को मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन चेन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा प्राइस दिख जाएगा सेंसेक्स का जितने भी आप ट्रेड करना चाहते हो। अगर आपको यहाँ से भी आप देखते हो ऊपर से भी आप ऑप्शन चेन क्लिक करोगे तो भी आपका ये आ जाएगा प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका कॉल साइड हो गया और ये आपका पुट साइड हो गया। तो यहाँ पे कॉल साइड में ये वाला पोर्शन को ऊपर का इन द मनी बोलते हैं, ये जो बीच का जो लाइन है इसके एक ऊपर और एक नीचे, ये जो बीच का लाइन है इसके एक ऊपर एक नीचे आप एट द मनी पकड़ के चलिए और नीचे का यहाँ से आप आउट द मनी लेके चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप एक ऊपर एक नीचे छोड़ दीजिए एट द मनी के लिए और ऊपर का ये आउट ऑफ द मनी है और इधर का ये इन द मनी है। ये कॉल का ये इन द मनी है, पुट का ये इन द मनी है, कॉल का ये आउट ऑफ द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी, लेकिन एट द मनी यही बीच का लाइन है, ये दो जो लाइन है यही बीच का लाइन आपका एट द मनी है। अब यहाँ पे सेंसेक्स में आपको इसी को प्राइस भी बोलते हैं, प्रीमियम भी बोलते हैं। तो जैसे मान के चलिए चार्ट अगर आप देखेंगे सेंसेक्स का, मैं आपको दिखा देता हूँ सेंसेक्स का, जैसे चार्ट देखते हैं आप सेंसेक्स, सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, सेंसेक्स इंडेक्स, चलिए यहाँ पे मैं इसी को ले लेता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एक सेकेंड ये लग गया, 1 मिनट, 5 मिनट का लगाता हूँ मैं, 5 मिनट का लगा दिया मैंने और यहाँ से आप सेंसेक्स को देखते हैं। चलिए ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट लग गया है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स अभी यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट हो गया, सेंसेक्स का चार्ट लगने में अब यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को अब यहाँ पे पुट लेना चाहिए क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। तो क्या होता है ना, जब मार्केट नीचे गिरता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है और कॉल का प्रीमियम कम होता है। जब मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा बोले तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जब मार्केट यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपका कॉल ऑप्शन बढ़ता है, पुट ऑप्शन कम होता है। तो कभी भी आप ट्रेड करेंगे ना, तो ये जो एट द मनी इसमें आप ट्रेड करेगा, इसमें ज्यादा मूवमेंट होता है प्रीमियम का, ये जो प्राइस इसका मूवमेंट ज्यादा होता है। आउट ऑफ द मनी करेंगे तो प्रीमियम डीके की वजह से आपको इसमें लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ मैं सेंसेक्स में। चलिए यहाँ पे मैं दूर का लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी फंड ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं दूर का लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई सा 67,800 का दूर पे 95% चल रहा है। चलिए मैं इसी को क्लिक करता हूँ, ठीक है। बाय बटन पे क्लिक किया मैंने, एक क्वांटिटी डाला, एक क्वांटिटी डालूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, अब प्रॉफ रिक्वायर्ड 57, बैलेंस मेरे डीमेट अकाउंट में 64 रुपीज है और रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए 57, ठीक है। तो 57 रुपीज का मेरे को मार्जिन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 1,110, अगर मैं इंट्राडे में भी ट्रेड करूंगा तो भी मेरे को क्वांटिटी यहाँ पे एक का लॉट साइज है, ये एक लॉट में आपका 10 क्वांटिटी है और यहाँ पे इसको मैं करूंगा तो दो लॉट में ये 20 का क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉट साइज का कैलकुलेशन कैसे करना है, एक लॉट में 10 है और दो लॉट में 20, 2, 3, 4, 5, 6 जितना आप करना चाहिए कर सकते हैं। अगर आप 10 लॉट लेते हो तो आपको कितना पैसा लगेगा, अगर आप एक लॉट लेते हो तो आपको कितना पैसा लगेगा, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। देखते जाइए आप, देखते जाइए, 100 क्वांटिटी लेते हो, 10 लॉट लेते हो तो 390 रुपये लगेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट आपको लेके दिखाऊंगा। एक लॉट में जैसे यहाँ पे मार्केट ऑर्डर दिया हुआ है तो यहाँ पे मार्केट को मैं लिमिट करता हूँ। लिमिट करने के बाद पे अगर मान के चल लीजिए यहाँ पे मैं 2 रुपये करके बाय बटन पे क्लिक करता हूँ, प्लीज प्लेस ऑर्डर इन स्ट्राइक क्लोजर टू द स्पॉट प्राइस। ये ऑर्डर क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है क्लोजर टू द स्पॉट प्राइस, मतलब कि ये जो स्पॉट प्राइस है आपका यहाँ पे ऑप्शन चेन पे, ये जो बीच का लाइन है ये, इसके आस पास में लेने के लिए बोल रहा है। मैंने कितना दूर पे लिया था, यहाँ पे लिया था, इतना दूर पे लिया था, इसलिए मेरा ये ऑर्डर लग नहीं रहा था, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेरा ऑर्डर क्यों नहीं लगा और आपको कितने दूर का स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड नहीं करना, आपको पास का स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना है। तो अभी मेरा डीमेट अकाउंट में फंड नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने डीमेट अकाउंट में फंड डालता हूँ। चलिए पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे ये करता हूँ, प्रोफाइल पर जाता हूँ, ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ। ऐड मनी पर क्लिक करने में 500 रुपीज़ मैं ऐड कर लेता हूँ, चलिए ठीक है, 500 मैं ऐड करूँगा। ऐड मनी बटन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये मेरा पेमेंट हो रहा है। ये आपको हाइड कर देगा, ये आपको शो नहीं करेगा, लेकिन ये आपको मैं यहां से अभी पे कर दूंगा। मैं यहां पे मैंने पेमेंट कर दिया है, ऑनगोइंग पेमेंट, वी आर वेरीफाइंग योर पेमेंट इफ सेटअप, ये तुरंत आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। डन बटन पे क्लिक किया मैंने और यहां पे देखेंगे आप प्रोफाइल पे जाइए, ये देखिए आ गया मेरा डीमैट अकाउंट बैलेंस। अब बैक जाता हूं मैं, दोबारा से मैं यहाँ पे सेंसेक्स पे क्लिक करता हूँ। सेंसेक्स पे क्लिक करने के बाद में ऑप्शन चेन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए मेरे को पुट लेना है, पुट लेना है तो मैं 392 पे क्लिक किया, बाय बटन पे क्लिक किया, एक क्वांटिटी किया मैंने, तो एक क्वांटिटी का कितना लग रहा है, 4,152 रुपीज़ लगे। क्यों, 392 × 10 करना है आपको एक क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ से और नीचे चले जाता हूँ, 500 रुपये सिर्फ मेरे डीमेट में 21 वाले को बाय करता हूँ मैं, एक क्वांटिटी करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 240 रुपये सिर्फ लग रहा है मेरे को एक लॉट लेता हूँ तो मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लॉट लेता हूँ तो यहाँ पे बाय बटन पे मैं अभी क्लिक करूंगा, बाय बटन पे मैंने क्लिक करूंगा तो ये मेरा मार्केट में बाय हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है 21, इसी में मेरा बाय हो जाएगा। बाय बटन पे क्लिक किया, ट्राई अगेन, ये भी नहीं ले रहा है, ये भी बोल रहा है स्ट्राइक क्लोजर टू द स्पॉट प्राइस, और ज्यादा क्लोजर लेना पड़ेगा। देखिए मेरे में डीमेट फंड कम है तो मैं इतना पास का मैं ले नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने अभी चलिए यहां पे मैं इसको मैं करके देखता हूं भाई ये लेता है कि नहीं। डन बटन पे ये देखिए ये ऑर्डर ले लिया ये, ठीक है। तो मैंने यहां पे कितने में बाय किया है,
मैंने यहाँ पे इसको बाय किया है। अब पोजीशन पे देखिए, पोजीशन पे देखिए क्या दिखा रहा है आपको। पोजीशन पे यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा, ऑर्डर पे दिखा रहा है आपको सेंसेक्स। ये देखिए सेंसेक्स यहाँ पे बाय किया हुआ है डिलीवरी पे। ओके, डिलीवरी पे मैंने ऑर्डर लगा दिया। हाँ, पोजीशन पे ये रहा, आ गया मेरा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मैंने इसको बाय किया 52.50 पे। मैंने बाय किया इसको 52.50 पे, और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में 52.50 चल रहा है, इसलिए मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस, मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा और कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो जैसे ही अगर ये मार्केट ऊपर की ओर जाएगा ना, 52 से 53, 54, 55 जाएगा, तब मेरे को इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें अभी मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो जैसे अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, मैं जैसे सेंसेक्स देख, मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरता है, अगर ये और नीचे गिरता है और नीचे गिरता है, जितना ज़्यादा नीचे गिरते जाएगा उतना ज़्यादा ये जो प्रीमियम है ना, पुट का मेरा प्रीमियम 52 से बढ़ के 55, 56, 57 ऐसे करके धीरे धीरे करके ये मेरा बढ़ेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंसेक्स में आपको ऑर्डर लगाना है। अब देखिए सेंसेक्स का मैंने आपको बता तो दिया, अब यहाँ पे सेंसेक्स का एक बार और ऑप्शन चेन पे चले जाते हैं। ऑप्शन चेन पे मैं क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए ये तो प्राइस मैंने बता दिया, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बता दिया। अब यहाँ पे देखिए सेंसेक्स का एक्सपायरी कब होता है, 1 मार्च, 7 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च। नेक्स्ट जो एक्सपायरी है 1 मार्च को है, ठीक है, 1 मार्च को फ्राइडे है, फरवरी 1 फरवरी को फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन मेरा एक्सपायरी होगा। अब इसके बाद का एक्सपायरी कब है, 7 मार्च, 8 मार्च को शायद तक हो सकता है कुछ छुट्टी होगा, कुछ गवर्नमेंट हॉलीडे होगा, इसके वजह से जो एक्सपायरी है वो 7 मार्च को है। फिर नेक्स्ट जो एक्सपायरी देखिए 15th दिख रहा है आपको, 15th मार्च, फिर उसके अगला एक्सपायरी 22 मार्च, उसका अगला एक्सपायरी 28 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी जो भी होता है सेंसेक्स में होता है वो सेंसेक्स में जो भी एक्सपायरी होता है वो हर फ्राइडे को होता है एक्सपायरी इसका। तो कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ऊपर में आपका ये जो एक्सपायरी है उसका हमेशा आप चेक कर करके ही आप ट्रेड करिएगा, बिना उसके आप चेक मत कर ट्रेड मत करिएगा। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार यहाँ पे हर फ्राइडे को तो एक्सपायरी होता है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 29 को यहाँ पे एक्सपायरी था, सॉरी फ्राइडे को देखेंगे, ये देखिए सेंसेक्स 28 दिखा रहा है एक्सपायरी, 28 एक्सपायरी। तो हर मंथ के जो लास्ट हफ्ते का जो लास्ट हफ्ते पड़ता है उसमें आपका एक एक्सपायरी होता है। ये 29 को होना था एक्सपायरी, तो एक दिन पहले हो गया आपका 28 को, और यहाँ पे जो 8 फरवरी को, जो 8 मार्च को जो एक्सपायरी होना था वहाँ पे उस दिन कोई नेशनल या गवर्नमेंट हॉलीडे होगा। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं स्टॉक मार्केट हॉलीडे, देख लेते हैं हॉलीडे 2024, देख लेते हैं ग्रो ऐप में ही देख लेते हैं। 8 ये देखिए 8 मार्च को दिख रहा है आपको, 8 मार्च को आपका है महाशिवरात्रि, इसी का आपका हॉलीडे है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको जो दिखाया ना मैंने आपको, ये हॉलीडे 8 मार्च को यहाँ पे एक्सपायरी नहीं, 7 मार्च को आपका एक्सपायरी है, ठीक है। मार्च मंथ में और कोई हॉलीडे 25 मार्च को है और 29 मार्च को, ओके 29 मार्च को भी गुड फ्राइडे पड़ रहा है, ठीक है, और 25 मार्च को पड़े, 25 मार्च को यहाँ पे हॉलीडे नहीं है, आपका मार्केट चलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है, चेक करने के बाद पे आपको यहाँ पे ऑर्डर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक्सपायरी आपको कैसे देखना है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में एक्सपायरी के बाद पे आपको यहाँ पे जैसे इसको मेरे को मैंने जो ऑर्डर लगा, ये ऑर्डर का एग्जिट करना है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं स्टॉप लॉस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, और जैसे यहाँ पे मैंने 50 रुपये के आसपास का लिया है, तो ये 50 चल रहा है, तो मैं 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के सेल बटन पे करके डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पोजीशन पे देखिए मैंने इसको बाय किया 52.50 पे, 50 चल रहा है ये और नीचे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर पे देखिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया 40 का, अगर मार्केट नीचे गिर के 50 से नीचे गिर के 40 को टच कर दिया तब ये आपका ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो आपको जितना भी रहे जो भी आपका लॉस रहेगा वो लॉस में आपको बुक हो जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस का ट्रायल करना है तो इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसको आपको 45 करना है तो यहाँ पे आप 45 कर लीजिए, ठीक है 45 कर लीजिए और मॉडिफाई सेल बटन पे करके डन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये देखिए अब ये 50.60 चल रहा है तो आपने 45 लगा दिया। अगर मान के चल लीजिए ये मार्केट प्राइस आपने जो खरीदा है सेंसेक्स आपका
52 से 60, 70, 80, 90 चले जाता, तब आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना, इसको आपको धीरे धीरे करके आपको ट्रायल करते जाना है आपको, ठीक है। अभी तो आपने 45 लगा दिया है, तो आपको धीरे धीरे करके इसको आपको ट्रायल करते जाना है। ट्रायल करने के बाद पे यहाँ पे आपको इसमें क्या ना लॉस नहीं होगा, इसमें आपको लॉस को कम लॉस हो तब आपको नीचे के लगाना, जब ऊपर जाएगा तभी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये ऑर्डर को मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल बटन पे क्लिक किया, कैंसिल ऑल बटन पे क्लिक किया मैंने, अब मैं यहाँ पे इसको मैं इसको टारगेट लगा के दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि यहाँ पे मैं पोजीशन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेंसेक्स बटन पे मैंने क्लिक किया, सेंसेक्स बटन पे क्लिक करने के बाद में एग्जिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। एग्जिट बटन पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आप मार्केट में सेल करना चाहते हो कि लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 60 लगा दिया मैंने और सेल बटन पे मैंने क्लिक किया, डन कर दिया, ये ऑर्डर मेरा ओपन है। अब क्या होगा कि जब मार्केट 51.60 से ऊपर जाके 60 को टच करेगा तब ये मेरा सेल होगा, तो उससे पहले ये मेरा सेल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंसेक्स में ऑर्डर लगाना है, बाय करना है, सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अच्छा हाँ, आपको मैं ब्रोकरेज चार्जेस बता देता हूँ, ब्रोकरेज चार्जेस आपका कितना लगेगा। तो सेंसेक्स में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेंसेक्स में जैसे ब्रोकरेज चार्जेस देखना है आपको, जैसे यहाँ पे आप बाय बटन पे क्लिक कर रहे हो, इसका क्वांटिटी कितना है, 10 का लॉट साइज है, ठीक है, एक लॉट में 10 है। तो अब यहाँ पे 10 को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूरा बैक चले जाइए, अब यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन पे जाते हैं, प्रोफाइल सेक्शन पे जाने के बाद पे यहाँ पे आप चार्जेस में क्लिक करिए, चार्जेस में क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आपका देखिए 20 रुपीज पर ऑर्डर लगेगा, फीचर एंड ऑप्शन आप ट्रेड करते हो तो। अब यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आप क्लिक करिए, ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद पे क्वांटिटी कितना था, यहाँ पे आप एफ एंड लो सिलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी कितना था 10 का क्वांटिटी था, मान के चलिए आपने 50 में बाय किया है और इसको आप 60 में आप बेच रहे हो, तो आपका देख लीजिए पीएनएल 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, टोटल ब्रोकरेज चार्जेस 47 यहाँ पे लगेगा, और नॉन ग्रोथ चार्जेस कितना, ये पूरा जो टैक्स का चार्जेस जुड़ के आपको सीधे सीधे आपको नेट पीएनएल जो प्रॉफिट होगा 52.14 का आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस कैसे कैलकुलेट करना है उसको भी आप यहाँ पे आप जाके आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो ऐप में आपको ब्रोकरेज कैसे देखना है, लॉट साइज कितना होता है, और यहाँ पे इसका एक्सपायरी कब होता है, इसका टाइमिंग भी, टाइमिंग इसका अगर सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स में आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। तो जैसे कि आपको बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ना, यहाँ पे नीचे में आपको ये स्टॉक मार्केट का फ्री पीडीएफ बुक मिल जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीडीएफ बुक है, चार्ट पैटर्न का पीडीएफ बुक, और दूसरा ये देख सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का पीडीएफ बुक, ये दोनों पीडीएफ बुक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप, मैंने स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्सेज भी वीडियोज अपलोड किया है, जैसे देख सकते हैं बेसिक स्टॉक मार्केट क्या है, ये सभी वीडियो जो फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज के वीडियो है, इसका भी लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए, तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो आपको बना के देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप मेरे चैनल पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।